नमस्कार भाई बहनों, हिंदी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। यदि आपके पास भी 10 रुपए के नौ वाले नोट है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये नोट 2,50,000 रुपये में बिक रहा है। जी हाँ, मैं आप लोग को लाइव प्रूफ भी दूंगा, साथ ही अगर आपको बेचना है तो वो भी आपका सेल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आगे भी आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको एक बेल का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस को देख पाएँ। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तो भाइयों बहनों, 10 रुपये के जो नौ वाले नोट है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि इसे बहुत पहले चलाया जाता था और उसके बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद अलग अलग टाइप के नोट चलाए गए 10 रुपये में, लेकिन इस नोट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, इसीलिए ये नोट अब काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुका है, क्योंकि ये बहुत पहले मार्केट से गायब हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सिक्कों से ज़्यादा रेयर नोट हो जाते हैं, क्योंकि नोट की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा नहीं होती। सिक्के बहुत बहुत ज़्यादा दिन तक रहते हैं, लेकिन नोट जो है वो ख़राब हो जाते हैं, या तो फट जाते हैं या गल जाते हैं। किसी भी तरह से जो नोट है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, इसीलिए अगर आपके पास अभी भी ये नोट मौजूद है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि यदि आप डायरेक्ट ये नोट मुझे सेल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, या तो उनसे नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये नोट कहाँ पर 2,50,000 रुपये में बिक रहा है। तो 10 रुपये वाले जो नोट है ये काफ़ी ज़्यादा कीमती है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे नोट या सिक्के होते हैं जो कि रेयर होते हैं और कीमती होते हैं। तो आप हमें नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके पास जो है कौन से रेयर नोट या सिक्के हैं, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिए। साथ ही जो ये 10 रुपये वाले नोट है, तो ये 10 रुपये वाले जो नोट है, जो बोट वाले नोट है, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई रेयर नोट या सिक्का है तो उसके जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ 10 रुपये के नोट के बारे में। तो अगर आप 10 रुपये वाले नोट को देखेंगे तो यहाँ पर अशोक स्तंभ की आकृति बनाई गई, यानी कि ये नोट गांधी सीरीज से पहले के नोट है, तभी गांधी जी की फ़ोटो नहीं हुआ करती थी नोटों पर। और इसके बैक साइड में आपको जो है यहाँ पर नाव बना हुआ दिख जाएगा, साथ ही यहाँ पे गवर्नर के सिग्नेचर भी है। तो आप ये कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके पास जो 10 रुपये के नाव वाले नोट है उस पर किस गवर्नर का सिग्नेचर है। जैसे कि ये नोट जो आरएन मल्होत्रा के सिग्नेचर वाले नोट है, तो उस पर आप देखिए आपके नोट पे किस गवर्नर का सिग्नेचर है। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके नोट का नंबर यूनिक है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि यूनिक नंबर वाले नोट बहुत जल्दी सेल होते हैं। हालांकि ये नोट तो रेयर है ही, लेकिन अगर आपके नोट में यूनिक नंबर है तो समझ लीजिए कि आपको तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू उस नोट का मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये नोट 2,50,000 रुपये में बिक रहा है, और साथ ही अगर आप मुझे सेल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, तो मैंने उसे ओपन कर लिया है। और यहाँ पर जो आपको सर्च करना है, यहाँ पर आप सर्च बार में जाइए और यहाँ पर आप टाइप कीजिए 10 रुपीज़ बोट नोट। तो जैसे कि मैंने लिख दिया 10 रुपीज़ बोट नोट, तो इसको आपको सिंपली सर्च कर लेना है। और जिसे आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको इंडिया मार्ट की एक वेबसाइट मिलेगी, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपये एक यूनिट की कीमत है, जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 10 रुपये के बोट वाले नोट है और ये एक नॉर्मल नोट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस नोट की फैंसी नंबर नहीं है, और यहाँ पे जो गवर्नर के सिग्नेचर है वो भी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये जो गवर्नर है वो किस गवर्नर के टाइम के नोट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नौ वाले नोट है वो कितने ज़्यादा कीमती है। और आपको भी अगर ऐसे नोट आपके पास है तो किस गवर्नर वाले नोट है और कितने पीस है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप डायरेक्टली ये नोट मुझे सेल करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। नहीं तो मैंने कल या परसों जो है अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग अपना मोबाइल नंबर मुझे भेज सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल नेम पर क्लिक कर लीजिए और जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे नोट और सिक्कों से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, तो उस सबको भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं।